लोगों से मिलने के बाद हम उनके साथ निकले जगौर नाम के गांव की तरफ, जहां उन्होंने एक सड़क का उद्घाटन करना था। इस बात की बड़ी चर्चा है कि अगर भारत अन्य देशों की तुलना में तरक्की में पिछड़ गया तो उसका एक बड़ा कारण यह है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की उपेक्षा की थी। अंग्रेजी का शब्द है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका मतलब है बुनियादी ढांचा। लखनऊ में पीने के पानी की समस्या है, गोमती के किनारे बसा हुआ शहर पीने के पानी के लिए तरसे, इससे बड़े दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है, दुख की बात क्या हो सकती है। जगौर गांव लखनऊ से कुछ ही किलोमीटर दूर है, लेकिन ये इलाका भी पिछड़ा हुआ और गरीब है, क्योंकि जिस बुनियादी ढांचे, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की अटल जी बात कर रहे थे, वो 50 साल की आजादी के बाद भी बना नहीं। जब लोकसभा में पहली बार चुना गया था तो उस समय अशोक होटल बन रहा था। लोकसभा में एक दिन बहस होने लगी तो नेहरू जी मौजूद थे उस बहस में, तो होटल सरकार बनाए कि न बनाए, घाटे में रहेगा क्या फायदे में रहेगा, मैं खड़ा हो गया। मैं नया मेंबर था, मैंने कहा सरकार का काम होटल बनाना नहीं है, हॉस्पिटल बनाना है। तो नेहरू जी बिगड़ गए, ये नए मेंबर आए हैं, ये बातें समझते तो है नहीं, हम होटल भी बनाएंगे और होटल के मुनाफे से हॉस्पिटल भी बनाएंगे। वो होटल अभी तक घाटे में चल रहा है और हॉस्पिटल बने नहीं। हॉस्पिटल तो घर बन रहे हैं थोड़े बहुत, नहीं आर्थिक नीतियां भी गलत रही हैं। रूस के प्रभाव में, कम्युनिज्म के दबाव में सब काम सरकार करे, माई बाप सरकार बन जाए, ये हमने जो नीति अपनाई, जो ये सोच हमारा था, ये गलत था। पीने का पानी नहीं, शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, सड़कें नहीं, और अब बिजली का बड़ा भारी संकट पैदा होने वाला, कोई ध्यान नहीं देगा। अटल जी, अपने 50 साल लंबे राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं? मुझे संतोष है कि मैंने अभी तक अपने कर्तव्य का पालन किया है। कोई ऐसा बर्ताव नहीं किया जिससे देश या समाज के हित को चोट पहुंचे। और सबसे बड़ी असफलता? मैं व्यक्तिगत सफलता असफलता की कसौटी पर नहीं करता, लेकिन जो राष्ट्र की विफलता है उसी को मैं अपनी विफलता मानता हूं। 50 साल के बाद आजादी के हम ऐसा हिंदुस्तान क्यों नहीं बना सके कि जो कम से कम दक्षिण एशिया के देशों के साथ पंक्ति में बराबर से खड़ा हो सके। सियासत में सालों से खोए हुए अटल जी को कभी कभी निराशा का आभास भी होता है। अभी हो रहा है। क्यों? क्यों? गर्मी ज्यादा है यूपी में, इसलिए नहीं। क्या हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है? मैं 57 में लोकसभा का पहली बार सदस्य चुना गया था, ये 97 है। कभी कभी सदन में बैठकर इच्छा होती है कि उठकर चला जाऊं, कभी कभी इच्छा होती है कि इस्तीफा दे दूं, लेकिन फिर वही सवाल पैदा होता है जाए तो कहाँ जाए, क्या करें। अटल बिहारी वाजपेयी अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से प्रेरित होकर पॉलिटिक्स में नहीं आते तो वो क्या होते? मैं लिखता पढ़ता, उसमें कविता भी करता, शायद कहीं कॉलेज में पढ़ाता या पत्रकार हो जाता। एक घटना ऐसी हो गई जिसने मुझे
राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। मैं दिल्ली में पत्रकार के नाते काम कर रहा था, उसी समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर आंदोलन के सिलसिले में परमिट सिस्टम को तोड़कर श्रीनगर गए थे। पत्रकार के नाते मैं उनके साथ था। वो गिरफ्तार कर लिए गए, हम लोग वापस आ गए। डॉक्टर मुखर्जी ने मुझसे कहा कि वाजपेयी जाओ और दुनिया वालों को कह दो कि मैं कश्मीर में आ गया हूं बिना किसी परमिट के। थोड़े दिनों बाद कश्मीर में नजरबंदी की अवस्था में सरकारी अस्पताल में डॉक्टर मुखर्जी की मौत हो गई। मुझे लगा कि मुझे डॉक्टर मुखर्जी के काम को आगे बढ़ाना चाहिए। अटल जी ने अक्सर कहा है कि सियासत के रेगिस्तान में आकर उनकी कविता की धारा सूख गई है। करीब करीब सूख गई। कविता एकांत चाहती है, कविता वातावरण चाहती है, कविता एक तरह का माहौल चाहती है। लेकिन प्रतिदिन भाषण देने की जो मजबूरी है वो कविता को घुमड़ने नहीं देती है, और जब तक बादल घुमड़ता नहीं है तब तक बरसता नहीं है। तो फिर आप कब लिखते हैं कविताएं? नहीं, जब जब लिखने से अपने को रोक नहीं पाता हूं तभी लिखता हूं। कविता के अलावा और कौन से शौक हैं? आप रिलैक्स करने के लिए क्या करते हैं? मैं घूमता हूं रोज घूमना पसंद करता हूं। सागर का किनारा और हिमालय की चोटियां मुझे आकर्षित करती हैं। खाना भी अच्छा बनाता हूं। क्या क्या? सब चीजें अच्छी बना सकता हूँ, लेकिन मैं खिचड़ी बहुत अच्छी बनाता हूँ और हलवा अच्छा बनाता हूँ, खीर अच्छी बनाता हूँ। वक्त कहाँ मिलता है आपको बनाने के लिए? नहीं, वक्त तो निकालना पड़ता है। जब कुछ करने के लिए नहीं होता तभी शौक भी तभी पूरे होते हैं जब वक्त होता है। अच्छा, तो खाना बनाते हैं, घूमते हैं और गाना बजाना और पढ़ता हूँ, संगीत में सुनता हूँ, शास्त्रीय संगीत भी, नया संगीत भी। मुझे ऐसा ऐसे ऐसे गाने पसंद हैं जो दर्द से भरे हों। पुराने फिल्मी फिल्में फिल्म के भी हैं। मीरा के गीतों में बड़ा दर्द है। रात को एक और उद्घाटन, इस दफा लखनऊ में पंपिंग स्टेशन का। राजनीति में कई किस्म के लोग आते हैं, वकील, पत्रकार, अध्यापक और आजकल डकैत भी, लेकिन कभी अपनी लोकसभा में कम ही दिखते हैं। बल्कि अटल जी ही एक हमारे राजनेता हैं जो पॉलिटिक्स में इतने साल रहने के बाद अब भी कविता लिख पाते हैं। तो आखिर में आपको कवि अटल बिहारी से मिलाएं। कवि उदास है, लिखने की उसकी इच्छा नहीं है, फिर भी लिखता है। इस तरह से शुरू करता है, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लगी कुछ ऐसी नजर बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। फिर ये विश्वासघात की कल्पना है, पीठ में छुरी सा चांद राह हो गया रेखा फांद, मुक्ति के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लेकिन परिस्थिति बदली, मनस्थिति बदली, कवि ने कहा कि मैं लिखूंगा और कवि ने लिखा, गीत नया गाता हूं। टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात कोयल की कुहक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं,
गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। इसका अंतिम है, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया।